नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत करता हूँ सर। तो मेरा नाम बिक्की चौधरी आई एम फ्रॉम कोलकाता। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आप लोगों के लिए जो शेयर लाऊंगा वो कोई पेनी स्टॉक नहीं होगा, और जो शेयर लाऊंगा ब्रांडेड होगा, कोई लोकल नहीं होगा। उसका पूरा एनालाइज करके डिटेल्सली पूरा बताऊंगा, फंडामेंटल बताऊंगा और साथ ही साथ टेक्निकली बताऊंगा, और आपका क्या टारगेट होना चाहिए आने वाले इन द फ्यूचर केस में। फ्यूचर में जो भी बताता हूं लॉन्ग टर्म, ये वीडियो ही ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए है। और क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या चीज़ मैंने इसमें देखा, और इस शेयर के बारे में भी बताऊंगा पूरी अच्छी तरह से, हर शेयर के बारे में। तो जो जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ उसका नाम आप लोग चिनते होंगे, पहचानते होंगे, बिकाजी। जी हाँ, बिकाजी फूड, आप लोग जानते हो कि बिकाजी को। बिकाजी बहुत नामी भुजिया वाला कंपनी है, बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ा, जिसका एडवर्टाइज आप लोगों ने देखा होगा, अमिताभ बच्चन आकर डायरेक्ट देते हैं कि ये बिकाजी का भुजिया खाओ, ये खाओ, बहुत बहुत सारे। तो सोच लीजिए, जिस शेयर को किसी हीरो ने टच किया, वो भी नंबर वन हीरो में गिनते आते हैं, अमिताभ बच्चन। तो वो जो शेयर जब मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसका मैक्सिमम प्राइस 300 रुपये तक मैक्सिमम था, उसके बाद गिर कर 310 गया। तो सोचा सूझी बात है कि जो IPO में जो शेयर लेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, तो सेल करेगा तो मार्केट गिरेगी। गिरने के बाद मार्केट ने क्या किया, वहाँ एक सपोर्ट क्रिएट किया। तो जब सपोर्ट क्रिएट किया, सपोर्ट लेते हुए मार्केट उठिया, जब मार्केट में सबको पता चला कि इस तरह का बड़ा कंपनी एक लॉन्च हुई है मार्केट में, देन वहाँ पर बहुत कसकर खरीदारी शुरू हुई। वहाँ से ऐसा हुआ कि लगभग अपने शेयर का अच्छा खासा रिटर्न दी। चलिए सबसे पहले हम लोग गूगल करते हैं बिकाजी। आप लोग यदि नहीं जानते हो बिकाजी फूड को, तो देख लीजिए यही है बिकाजी। तो इसका इमेज देखते हैं क्या क्या काम करती है। आप लोग शायद इसके पूरा बोलने का कुछ है ये नहीं है, ये देख लीजिए बिकाजी का ऑलरेडी ऑल ब्रांड है। और इसका बहुत बड़ा जो एडवर्टाइजर यानी कि जो प्रमोट करने वाले वो खुद अमिताभ बच्चन है। MD CEO नहीं बोलूँगा, बट उसका बहुत बड़ा हिस्सा निभाते, बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसा सुपरस्टार है जो आज सदी के महानायक बोल सकते हैं, वो खुद आकर एक ब्रांड का एक एडवर्टाइज करते, तो सोचिए वो ब्रांड कहाँ जाएगा। आने वाले दिनों में एक ऐसा समय आएगा कि बिकाजी का 4000 रुपये प्राइस शेयर हो जाएगा। ये आज नहीं होगा, मगर 20 साल बाद होगा, ये ग्रांटेड है। जिस तरह से आज ब्रिटानिया का हुआ, आज ब्रिटानिया का कौन नहीं जानता है, सभी कोई जानते हैं। नेस्ले का कौन नहीं जानता, एक एक शेयर का 20000 रुपये दाम है, कौन है? एक समय आप जाकर एनालाइज करोगे ना फ्रेंड, तो आप आश्चर्य हो जाओगे, वो शेयर भी 40 रुपये में एक दिन था। एक ऐसा दिन था आज से 10-15 साल पहले जहां वो शेयर 40 रुपये में था, अदानी भी 40 रुपये में था जहां 4000 में खेल रहा है, एशियन पेंट भी 40 रुपये में था जो आज 3000 रुपये खेल रहा है, बर्जर पेंट भी 40-20 रुपये में था जो 700-600। आप लोग बिलीव नहीं करोगे जो मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत ऐसे शेयर है जो 40 रुपये में आने वाले समय में अपने परसेंटेज का 100% देंगे रिटर्न। आप लोगों को भी नहीं पता, उसी में से ये बिकाजी बोलकर एक शब्द है। बहुत बड़ा ब्रांड, इंटरनेशनल है, तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल नहीं इंटरनेशनल, ये कंपनी बहुत बड़ी। तो आइए उसको हम लोग, फंडामेंटल तो कुछ है ही नहीं, हाल फिलहाल मार्केट में लॉन्च हुई, कुछ फंडामेंटल ही नहीं देखना है, ओनली टेक्निकल देखना। आइए हम लोग टेक्निकली देखते हैं बिकाजी क्या कर रही है मार्केट में। ये रहा बिकाजी का एक वन डे टाइम फ्रेम चार्ट। मार्केट में ये कब लॉन्च हुई देख लीजिए, लॉन्च हुई थी 16 नवंबर को। लॉन्चिंग प्राइस का कुछ हाई था, कितना था, 334 तक, गिरते आ गई है 303 रुपये। यानी कि जो देखो 200 में खरीदेगा IPO मिलेगा 200-250 में, तो वो ऑलरेडी जिसका प्राइस 300-350 हो जाएगा तो बेचेगा ही। यदि 100 शेयर भी लिया हुआ तो उसको 10 शेयर पकड़ो, बेचेगा तो ऑलरेडी मार्केट नीचे गिरेगा, और एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट हुआ। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, ये हमारे वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने उल्टा मार्केट में गिर रहा है, गिरावट की प्रेशर शुरू हो चुकी है, ये होता है इन्वर्टेड हैमर वन डे टाइम फ्रेम में। तो मैं एक बात बताना चाहूँ, जब कोई भी दूसरा स्टॉक उठाता हूँ तो उस बहुत पुराना होता है, उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो आप लोगों को ये फाइनल नहीं पता कि ये शेयर कहाँ जा सकता है। बट ये शेयर अभी नया है और मार्केट में है, और धुआंधार पारी खेल रहा है, धुआंधार चल रहा है। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर देख लीजिए 310 में आकर रुक गए। अब सेलिंग ही खत्म हो चुका वन डे टाइम पे। अब यहाँ से क्या बोला, ये एक सपोर्ट, इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बन गया। इसको यदि ब्रेक करती तो डाउन साइड जाती, इसको ब्रेक करेगी तो अपर साइड जाएगी, ग्रेट। तो इसको ब्रेक की और देन अपर साइड, ब्रेक 332 में किया, मार्केट कहाँ चला गया, छलांग मारा 332। कब ब्रेक की वो तो देखो, 23 नवंबर, अभी चल रहा है 29 नवंबर से 29 नवंबर में कहा 332 से 440-445 चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपये से ज़्यादा दिया एक शेयर में। यानी कि यदि आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते 10,000 रुपया, 100 शेयर यदि आप खरीद कर रखते, 100 शेयर का प्राइस ही था उस टाइम 32,000 रुपया, तो 32 लगाओ 42 लेकर जाओ, ये हिसाब चल रहा था बिकाजी में। इतना अच्छा
उस टाइम, बट उस टाइम इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहता किसी के पास कि कब कौन सा शेयर लॉन्च हुआ। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आप लोगों को न्यूज़ देखना पड़ता है। अरे कान में तो या फिर मोबाइल में SMS तो आप कहेंगे कि ये शेयर लॉन्च हुआ, ये शेयर कहाँ से पता चलेगा, आपको इसके लिए न्यूज़ देखना पड़ेगा। तो मेरा भी मे बी लेट, बट मेरे को एक इन्फॉर्मेशन है, काइनेस जब लॉन्च हुआ था तो मैंने वहाँ टीवी में था, परफेक्ट काइनेस का लॉन्च। मैं आपको काइनेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, काइनेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, बट इसको देख लीजिए बीकाजी। तो इसका क्या टारगेट होगा आप लोगों को मैं दिखा दूँ। ये वन डे टाइम फ्रेम के अनुसार आप क्या देख रहे हैं कि यदि मैं आपको RSI के जरिए दिखाऊँ तो यहाँ से ब्रेक किया, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट उठी, एटलीस्ट अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का 50% ये होता है। बट बीकाजी ने अच्छा खासा यहाँ पर आकर थोड़ा डाउनफॉल किया। ये डाउनफॉल जरूरी था, क्यों? क्योंकि सर दोस्तों आप अपनी नज़रिए से सोचो, जो 330 में लेंगे उसका प्राइस 440 हो जाएगा, 100 रुपये 100 रुपये बढ़ जाएगा, तो ऑलरेडी वहाँ सेल करेगा, तो सेल किया तो मार्केट यहाँ से थोड़ा गिरा और यहाँ एक स्पिनिंग टॉप क्रिएट हुआ। स्पिनिंग टॉप इन स्पिनिंग बॉटम क्या होता है, इसके ऊपर भी आने वाला वीडियो देख लीजिए, फिर मेरे लिंक में जाकर देख लीजिएगा, या फिर गूगल करके देखिए। स्पिनिंग टॉप यानी कि टॉप पर बनता है, वहाँ से मार्केट फॉल करती है। कब फॉल करती है? स्पिनिंग टॉप यानी कि बाइंग सेलिंग दोनों प्रेशर क्रिएट हुआ, स्प्रिंग बॉटम मतलब ही बाइंग सेलिंग दोनों क्रिएट हुआ, तो उसमें बाइंग होता है, इसमें सेलिंग ज़्यादा होता है, तो स्प्रिंग टॉप क्रिएट हुआ। तो वहाँ से देखिए मार्केट अच्छा खासा फॉल किया, 300-400 रुपये में आ गई, 399 में करीब आई, 399-90 में आई। बट मेरा मान्यता यहाँ से ये है कि अब हमारे नज़रियों से मैं देखूँ तो यहाँ कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। अब मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करी आस्ते आस्ते, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दूँ, ये इसके लिए एक तरह से रेजिस्टेंस यानी कि सॉरी दोस्तों सपोर्ट बन गया ये। चलिए हम लोग यहाँ पर एक ब्लैक रंग का, चलिए ये एक तरह से इसका सपोर्ट बन गया और इसका रेजिस्टेंस कौन सा बन गया, फिलहाल में रेजिस्टेंस यही है। क्यों है, आइए इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि मैं सीखता हूँ, सिखाता भी हूँ, मैं इन्वेस्टिंग भी सिखाता हूँ, हाउ टू फाइंड वो भी बताता हूँ, देन यू फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट 1, 2, 3, 4, 5 डे से कंटिन्यू 390 से 415 के बीच फंस चुकी है। सो दैट यहाँ पर खुद उसने अपने एक रेजिस्टेंस फेस किया, बनाया, खुद क्रिएट की मार्केट ने, बीकाजी ने। इसको जब ब्रेक करेगी ना फ्रेंड, तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इस शेयर का प्राइस कम से कम 430 रुपये यानी कि 1530 और 430 से 440 से 440 को ब्रेक करेगी ना, तो एक इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन आप लोगों को दिखेगा आंखों के सामने, इस तरह का। ये देखिए यहाँ आया, ये उठा मार्केट, ये गिरा और यहाँ आया, दिन बूम करके फ्लाई करके चला जाएगा। ये रेजिस्टेंस को जब ब्रेक कर देगी मार्केट, या ये गारंटेड है कि ये ब्रेक करेगी, आज नहीं तो कल, तो दोस्तों तो मैं इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस और बड़ा प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आया हूँ, बस बेसिक कुछ नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस। क्यों छोटा स्टॉप लॉस, क्योंकि इसका पीछे में कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं, न्यू है, मार्केट में लॉन्च हुई। आइए हम लोग इसको आवरली टाइम पे मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करके देखो, वन डे टाइम पे मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, बेसी दिन हुआ ही नहीं शेयर खाने, 10 दिन हुआ है बेसी से बेसी। चलिए मैं आप लोगों को अब इसको आवरली टाइम पे मैं आइडेंटिफाई करके दिखाऊँ, तो आवरली में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप लोगों से अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए आवरली में कन्वर्ट होते, तो आवरली में भी देखते तो बेसी कुछ खास दिन हुआ नहीं इस मार्केट में इसको आया हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, क्या बोला, मार्केट एक खुद बेस क्रिएट कर चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए एम पैटर्न को ब्रेक करते हुए, क्योंकि कोई भी आदमी यदि कोई खरीदता है शेयर, अचानक इतना ऊपर चला जाए तो कोई भी बेचेगा ही, समझिए उसके साइकोलॉजी को समझिए। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मार्केट ने अपने पैटर्न को ब्रेक किया और इसका प्राइस उस टाइम 330 पे था, क्या बोला 330 से यहाँ पर 440, मतलब ऑलरेडी यदि आप भी इन्वेस्ट करते तो आप भी प्रॉफिट बुकिंग करने का ही सोचते, इतना ज़्यादा प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट 10 दिनों में 10,000 इम्पॉसिबल वाला प्रॉफिट आपको दे रहा था। उसके बाद देन यहाँ पर देखिए आवरली टाइम पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, क्यों है समझना होगा आपको। यहाँ पर मार्केट आई, यहीं पर सेलिंग हुआ, फिर इसी को ब्रेक करते हुए मार्केट दनादन उठी, इसलिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस के पास ही एक प्राइस एक्शन बनता है। ये देखिए बना यहाँ पर, देन ब्रेक की, फिर उठी, अब फिर मार्केट इसी को देखिए, यहाँ पर प्राइस एक्शन बना, यहाँ पर देखिए मार्केट फंस चुकी इस रेंज में और अभी तो अच्छा खासा फंसी, यहाँ तक गिर गई, देन गो अप, एक मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ फंस चुकी है। तो मार्केट को मैं बता देना चाहूँ आपको, 390 में यदि स्टॉप लॉस रखते हैं, एकदम न्यू शेयर है, एकदम न्यू, मैं क्या ही जो बताऊँ, 390 का आप लोग एक स्मॉल SL रख सकते हैं, एक स्मॉल SL, यदि ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं तो आप लोग 380 से ज़्यादा मत रखिए। यदि 380 को ब्रेक करती बिका जी तो ये 100% है कि मार्केट थोड़ा और गिरेगी, ये 380 से 330 भी आ सकती है, कोई गारंटी नहीं, बट 380 मिनिमम, उससे कम या फिर उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना है। तो इसके बिहाफ में आप टारगेट कितना लेंगे, अब आपको टारगेट में आपको डिफाइन कर दूं। तो सबसे पहला टारगेट आपको यही मिलेगा, ये
440 का। अब इसके बाद का टारगेट आप लोग देख लो ऊपर की तरफ, एक तरह से कप पैटर्न ब्रेक हो गई। ये देखिए, ये भी एक कप पैटर्न ब्रेक हुआ, ये भी यहाँ भी एक कप पैटर्न मतलब ब्रेक हुआ, अनलिमिटेड टारगेट। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को एक चीज बताओ, जब ऊपर कोई सपोर्ट एंड कोई रेजिस्टेंस होगा ही नहीं तो टारगेट तो ऊपर जाएगी, ऑलरेडी शेयर ऊपर जाएगी, तो आप लोगों को क्या करना है उस टाइम, कोई सेलिंग का सोचना ही नहीं है। हेलीकॉप्टर व्यू होना चाहिए, हेलीकॉप्टर मतलब ऊपर की सोच, आसमान की, सैटेलाइट व्यू मतलब आसमान की व्यू, ऊपर की सोचो, नीचे की नहीं सोचना। आप लोगों को ऊपर का सैटेलाइट व्यू है ना, हेलीकॉप्टर व्यू आप लोगों को माइंड में बनाकर चलना है, ठीक। और जब ऊपर जाएगी तो ऑलरेडी ये मार्केट इसका मतलब कुछ अच्छा कर रही है। हम लोग टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं, हम लोग चार्ट को देखकर बता देते हैं कि जरूर मार्केट में कुछ अच्छा हो, कंपनी अच्छा काम करे। और कुछ दिनों में इसमें यहाँ भी फंस गई, इंट्राडे के लिए इसका क्या आपको टारगेट मिलेगा, आपको 415 ब्रेक करे तो 440 और 390 का स्टॉप लॉस, लगभग आपका डाउन साइडेड ब्रेक करने पर मूवमेंट हो सकता है। तो आप लोगों को मैंने क्या बता दिया, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या इसका टारगेट होगा, क्यों टारगेट मिलेगा, क्यों स्टॉप लॉस होगा, क्यों ये रेजिस्टेंस है, क्यों ये सपोर्ट है, और क्यों इसको ब्रेक करे तो बड़ा मूव होगा, और क्यों इसको ब्रेक किया तो क्यों बड़ा मूव आया, क्या हुआ यहाँ पर जो इतना डाउनफॉल, सभी बता दिए इस वीडियो में। यहाँ पर मैं यदि RSI लगाऊँ ना फ्रेंड, तो आप लोग RSI देखो तो आप लोग चौचर्य हो जाओगे। RSI जब इसको ब्रेक किया तो RSI कहाँ जाए, 90 पर चला गया था, इसको ओवरबोर्ड भी नहीं बोलेंगे। और जब RSI यहाँ पर आया, जब इंटर के अंदर में, तो देखो फ्रेंड RSI ब्रेक किया यहाँ, यहाँ पर RSI यदि फॉलो करोगे तो, और RSI जब 60 के नीचे आई, बिलो 60 तब यहाँ पर है, मतलब RSI ने आपको ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कैच करवा दिया। और यहाँ पर जैसे आया RSI बोल दिया अब बिलो 60 में जाने वाला हूँ, फटाफट आप लोग प्रॉफिट बुक कर लो। तो फटाफट सभी ने प्रॉफिट जरूर, जो जो RSI फॉलो करते, चलिए देखते कितना प्रॉफिट आप लोगों को RSI ने दिया। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपको 100 पॉइंट पर, यहाँ तक आएंगे तो 80 पॉइंट तक एकदम आपको, एकदम बोले तो सेफ प्रॉफिट दिया, कोई डरने की बात। बोलते 90 पर जाके फिर से तुरंत फटाक से आ गया ये 60 पर, जब 60 पर आया तब तक ये प्राइस इसका अपर साइड ही था, बट आपको सिग्नल मिल चुका था। ये होता है RSI का कमाल। क्यों मैं RSI को फॉलो करता हूँ, सो दैट इट इज रीजन, सो आई फॉलो दिस इंडिकेटर। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाता हूँ अच्छा खासा उसमें इन डिटेल्स बात करता हूँ, फंडामेंटल और टेक्निकली क्या हो सकता है पूरा मैं डिटेलली बात करता हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होता है। बट वीडियो जो पूरा देखते हैं उनको अच्छी खासी नॉलेज मैं शेयर करता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस वो शेयर करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ आप लोगों को तो पता ही होगा। तो फ्रेंड ये वीडियो को अच्छा से शेयर कीजिए धमाकेदार, और अपने भाई को एक सपोर्ट कीजिए ताकि आगे बढ़े। और आपका जो क्वायरी है, आप क्या जानना चाहते हैं, कौन सा क्या स्टॉक्स में एनालाइज, पूरा करके दूंगा डिटेलली, आप कमेंट करके देखो। तो दोस्तों और भी ज़्यादा मेरे से बात करने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिए क्योंकि भाई आपका और भी कुछ काम करता है और आप थोड़ा डिस्टर्ब होता है, सो दैट आप कॉल नहीं कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मिलेंगे उसके बाद एक टाइम लेंगे, बात करेंगे, फिक्स करेंगे। बट कोई ऐसा मेरा कॉल फिक्स सर्विस या फिर पेड सर्विस कॉल्स कुछ नहीं है, मैं फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ, सिखाता हूँ, मेरा कोई ऐसा सर्विस पेड नहीं है। तो फ्रेंड इस वीडियो को शुरू से शेष तक देखने के लिए आप लोगों को सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।